नमस्कार दर्शक भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं किसान परिवार चैनल में। और आज हम आपको लेकर आए हैं खेड़ा नवादा गांव, क्योंकि जो जिला हापुड़ में पड़ता है, हापुड़ बुलंदशहर रोड पर, आप कभी गए हो तो रास्ते में ही गांव पड़ता है ये। तो हम आपको ऐसे भावी किसान से मिलवाने वाले हैं जो बहुत ही जागरूक किसान है, हमारे युवा किसान भी कह सकते हैं, हम वो युवा किसान भी हैं। गन्ने का नया बीज लेकर आए हैं 1106, और उनसे किसान भाई से पूरी जानकारी लेंगे कि ये 38 से इनका कितना फालतू है, कितना निकल रहा है, उन्होंने कितना लगाया है, कहाँ से लेकर आए हैं और इसमें क्या क्या इन्होंने अब तक लगाया है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों को तो आप पहले तो अपना परिचय दे दो जी और गांव का नाम बता दो हमारे किसान भाइयों। मेरा नाम जी अंकित है जी। अच्छा जी। गांव नवादा खेड़ा है, बुलंदशहर रोड पर, हाफिजपुर थाने के सामने जी। अच्छा जी। हाँ तो जी। आप ये कौन सी वैरायटी लेकर आए हैं जी और कहाँ से लेकर आए हैं, किस मतलब कैसे लेकर आए हैं ये और बता दो जरा जी आप। ये 1106 वैरायटी है जी ये। अच्छा जी। ये अपने मिलने वाले हैं महाराष्ट्र में जी। हाँ जी। वहाँ से लेकर आए जी। तो आप इसे जो गन्ना लेकर आए टिशू कल्चर में लेकर आए? टिशू कल्चर में लेकर आए जी हम इसको। अच्छा, टिशू कल्चर में ले गए। और आपने जो पहली बार जी अपने जमीन में लगाया है जी, हम जमीन में जो मतलब पहली बार आपने लगाया है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको 38 से कितना बढ़िया लगा? 38 से तो बहुत बढ़िया लगा जी। देखो जी, ये रोग वो जिसमें रोग वो की शिकायत, रोग की शिकायत बहुत आ गई थी 38 में जी। हाँ, 38 में बहुत ज्यादा चल रही है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें रोग बहुत कम लग रहा है जी। मुझे मैंने खेत में देखा पूरे में घूम के, तो रोग काफी कम है, बहुत काफी कम है जी। आपने बोया कब है ये और कितने इंची पे बो रखा है ये बताओ? ये जी 28 इंची बो रखा है, ये 20 मार्च को बोया था जी हमने। अच्छा। हाँ जी। 28 इंची पे आप इन्हें देख सकते हैं, 28 इंची पे इन्होंने जो गन्ना लगा रखा है पूरा ये, और 20 मार्च की इनकी गन्ने की इसकी बिजाई है। तो आपने टिशू कल्चर से लगाया है तो काफी अच्छा हो रहा है, और देख सकते हैं आप सभी किसान भाई भी जो है गन्ना भी इनका काफी मोटा हो रहा है। देखो जी, देख सकते हैं अभी काफी अच्छा गन्ना है, इसकी पोरी भी जो छोटी है, आंख भी इसी गन्ने की काफी बढ़िया है देखने में। तो मील से भी आए हैं जी आपके यहाँ डॉक्टर देखने के लिए? हाँ जी, मील से भी आए थे जी हमारे पास, बिजनापुर मील, शुगर बिजनापुर मील से आए। तो मील वालों ने पास कर दिया? ये पास कर दिया जी, बिल्कुल मील वाला। अच्छा, मील वालों ने पास कर दिया। हाँ, मील वाले कह भी रहे हैं कि जो हमारे किसान भाइयों को आप गन्ना दें। हाँ, तो जैसे हमारे किसान भाई जो हमारी वीडियो देखते हैं या कोई अदर भी किसान है, तो अगर वो खरीदना चाहे तो दे तो दोगे जी? बिल्कुल दे देंगे जी। तो किसान भाइयों को थोड़ा थोड़ा गन्ना सबको दे देंगे जी हम। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मतलब सभी किसान भाइयों के पास पहुंच जाए, ये आपका कहना, तो इनकी बहुत ही अच्छी बात हमें सबसे पहले ये लगी कि ये चाहते हैं कि इस बीज का जो सभी को किसान भाइयों को गन्ना हम थोड़ा थोड़ा दें, ताकि हमारे किसान भाई भी वो लगाएं। और 38 जो जब ज्यादा रोग आ गया, किसान पिटने लगा है, तो इससे निजात मिलेगी कि भाई हमारा किसान जो पिट रहा है आज के समय में। हाँ जी, हाँ जी। भाई 38 तो बिल्कुल बेकार ही हो चुका है। बेकार हो गया जी, 38 की पेड्डी भी इतनी कामयाब नहीं है, ना बुएर कामयाब, ना बुएर कामयाब हो रही, ना पेड्डी काम, लागत ज्यादा आने लगी है, ज्यादा आ रही है। ये मान लो जितने गन्ना गिरता है उतने हम सब पैसे इसमें लगा चुके होते हैं। तो आप जी लागत बहुत कम आ रही है जी। अच्छा, लागत कम आ रही है। आप इसका गोला और दिखा दो किसान भाइयों को, जैसे नीचे से ऊपर तक ये पूरा गन्ना मैं देख रहा हूँ हरा है, तो इसका गोला भी हरा ही रहेगा नीचे तो जी। और हाइट भी इसकी देखो भी, टिशू कल्चर से पहली बार लगता है तो गन्ना तो हाइट कम रहती है थोड़ी सी, लेकिन इसकी हाइट काफी अच्छी है। मैंने 13-14 फीट के समथिंग। हाँ, मैंने जो बहुत सारे बीजों की वीडियो बनाई है गन्ने में, भाई मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो मुझे भी ये काफी अच्छा गन्ना लगा, बिल्कुल साफ भी लगा, और चाल भी इसकी अच्छी है, और ब्यांत भी अच्छा कर रखा है इसमें। आप देख सकते हैं, मैं अंदर को दिखा दूं आपको गन्ने में, और किसान भाई का नंबर भी जरूर देंगे आपको, ताकि आप जो हमारे आसपास के किसान हैं या दूर के भी किसान हैं, वो भाई भी इस यहाँ से गन्ना ले जा सकते हैं और अपने खेत में लगाकर पूरा इसका लाभ लें। और भाई 38 तो बिल्कुल जाने लगा है, सभी किसान भाइयों को पता ही है। तो आप अपने एक बार नंबर और बोल दो जी हमारे किसान भाइयों के लिए। 9758864033। एक दूसरा नंबर ले लो जी भैया का नंबर और है जो ना मिले तो 8445976612। ये हमारे अनुज भाई हैं और ये हमारे अंकित भाई हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम कराया है। खासियत एक खासियत और है जी। जी जी। जैसे आप इसे काटने चाहो, काटने का इसका समय आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो काटने के 10 दिन पहले इसमें खाद ना डालें। बिल्कुल। जो इसमें लागत लगा देते हैं तो इसके पौधे इतनी रफ्तार से ऊपर आते हैं, तुम गन्ना इसमें काट नहीं पाओगे। अच्छा, जो आपने देखो। हाँ, जो उन्हें बता रहे हैं। हाँ, जो इसकी एकदम पेड़ी इतनी तेजी से फुटवार लेती है। जी जी। कि फिर गन्ना ढूंढ ढूंढ के काटना पड़ता है इसको। अच्छा, फिर ढूंढ ढूंढ के काटना पड़ेगा। तो आप इसकी कटिंग करके इसमें अपना खाद पान लगाएं, तो उसके जो पोगे मतलब अच्छे पोगे कर रहे हैं पैदा। तो हमारे किसान भाई अंकित भाई पे, अनुज भाई पे फोन कर गन्ने का बीज ले सकते हैं। फोन करें और अपना बीज जो है मतलब ऑर्डर कर दें कि भाई हमारा इतना लिख लो बीज, क्योंकि बीज इनके पास कम है और किसान भाइयों के फोन काफी आते हैं। हाँ जी, बहुत
फोन आते हैं जी हमारे, हाँ हाँ, कि भाई हमें भी दे दो हमें भी दे दो, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हम सभी किसान भाइयों को थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करेंगे, सबके पास पहुँचना चाहिए जी। जी जी, तो इसमें टॉप बोरर भी मुझे जो अभी तक गन्ने में किसी पेड़ में नहीं दिखाया जी, इसमें जो है टॉप बोरर बीमारी इसमें बहुत कम है। नीचे हमने इसके अंदर डाई पोटाश अच्छा डाला था जी, बस जब बुआई के टाइम हाँ जी 20 मार्च को आपने इसकी बुझाई करी है, और उसके बाद अब लो इसमें कोई लागत नहीं लगी है, बस पानी पानी लगा, इसकी सिंचाई हो रही है बस। तो हम तो ये कहेंगे जैसे आपने 28 पे बो रखा है, तो अब के जो है इसको एक बार आप जो है भाई ट्रेन से बोकर देखें, 32 पे बोएंगे जब किस पे, हाँ 32 से बोए भाई, किसान के पास जो अपने साधन है उसी से गन्ना बोए तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं आपको खेत में अंदर भी दिखा दूं, और भाई सभी गन्ने इसमें जो सही है, एक दो पेड़ मैं पोका बोएंगे दिखा मुझे पूरे खेत में, एक दो में ही बस, तो वो तो ना के बराबर ही कहेंगे, मगर ये भाई स्प्रे कर देते तो वो भी शायद ना होता, लेकिन ये कर रहे हैं कि कम लागत में काफ़ी अच्छा हो जाए, देख सकते हैं आप ये गन्ना देख लो इसमें काफ़ी मोटा हो रहा है जी। एक मिनट अंकित भैया इसे और दिखाओ, देखो ये पेड़ बढ़िया हो रहे हैं इसमें, और भी आप देख सकते हैं भाई, जहाँ इसकी लागत सही लग गई, हाँ जी देखो जी आप देख सकते हैं भैया, काफ़ी सबसे मोटा गन्ना दिख रहा है जिस खेत में, इतना मोटा था 38 भी बहुत लेट हो गया जी, मेरा आप देख सकते हैं कितने अच्छे गन्ने हैं भाई, एकदम बढ़िया। तो आप भाई को फोन करें और गन्ना बताएंगे कैसा गन्ना है, आप देख सकते हैं गन्ना लट बराबर ऐसा है जी, जैसे लट बराबर गन्ना लिखड़ा लट बराबर, बिल्कुल जी बिल्कुल देख लो जी, बिल्कुल लट बराबर ही है जी। जी जी बिल्कुल लट बराबर गन्ना है आपका, जैसी लागत लगाओगे वैसा गन्ना पाओगे आप। बिल्कुल सही बात कही हमारे अनुज भाई ने, पर जैसी लागत लगाएंगे वैसा ही गन्ना ऐसा है, सोनाली का ट्रैक्टर, अच्छा सोनालिका ट्रैक्टर जैसे हमारे भाई सोनालिका के दीवाने हैं जी, बिल्कुल जी। तो आप सभी किसान भाइयों को गन्ना कैसा लगा, और हम तो ये कहेंगे कि आप इन पे फोन करके गन्ना इनसे करें, और आप भी जो एक डेढ़ बीघे गन्ना लगा के देखें, काफी अच्छा गन्ना है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो नमस्कार दर्शक भाइयों।